गुड मॉर्निंग क्लास, अभी तक हमने टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। अब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हम मॉडल्स लेते हैं, ठीक है। अगर आपका एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल आता है मॉडल वर्ब, उसको हम किस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मॉडल ऑब्जेक्ट ये आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगा, तो आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आएंगे, प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस बी, प्लस वर्ब के वर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आई मस्ट आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प माय फ्रेंड। अब सब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लेके आए, माय फ्रेंड। मस्ट रूल के अकॉर्डिंग बी हमने लगाया, हेल्प के वर्ड फॉर्म हेल्प बाय प्रीपोजिशन, और जो है आपका सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो आई का फेस में चेंज हो जाएगा मी, ठीक है। इस तरह से हमें मॉडल चाहे कैन, गोल्ड, गोल्ड कोई भी मिले, आप उसको इसी तरह से इसी रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको मालूम है कि आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट और क्या बोलते हैं एडवाइस मिलेगी, सजेशन, ये ऐसे सेंटेंस आपके क्या कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से चेंज करेंगे, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट क्या होता है हमेशा मिसिंग होता है, इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऐसे एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में ले आएंगे, प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लोज का जो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है तो लेट, ऑब्जेक्ट हम ले आए तो बी, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या हो गया क्लोज, ठीक है। अब हम आपके लिए एडवाइस वाला एक सेंटेंस लेते हैं। एडवाइस में क्या होगा, सबसे पहले प्लीज लगा होगा या तो काइंडली लगा होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसका अगर हम पैसिव पोनाइज बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस लेते हैं, प्लीज क्लोज द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू एज इट इज क्लोज द डोर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस लेट ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अगर एक्टिव वॉइस में मिलता है तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ठीक है। आप इसको अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में आ गया, द वर्क प्लीज जिसमें आपको कोई चीज करने के लिए मना किया जाता है, वहां पे आप यू आर रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं या यू आर एडवाइस भी लगा सकते हैं या यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन मीन क्या होता है मना करना, तो यू आर फॉरबिडन भी आप लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे डू नॉट किल द एनिमल्स, या पैसिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस बनाना जैसे आप करोगे, You are forbidden not to kill the animals, ठीक है। इस तरह से आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाओगे। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की बनाने की, जिसमें कि आपको एक्टिव वॉइस में टू सब्जेक्ट्स मिले। टू सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा और दूसरा आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक। जैसे ही टोल्ड मी द स्टोरी, तो ये आपका क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और स्टोरी आपका क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट जो वाक्य वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे, आई पास्ट टेंस में तो वॉज लगेगा टोल्ड, फिर आपका जो दूसरी वर्ब है वो आप लिखेंगे द स्टोरी बाय, फिर ये आपका क्या था सब्जेक्ट में था इसको ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे, तो आप इस तरह से चेंज करेंगे जहां पे आपको टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जरा सा भी कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही आसान है करना। सबसे पहले तो आप सेंटेंस में देखिए कि आपके ऑब्जेक्ट कितने हैं, ऑब्जेक्ट नंबर वन और ऑब्जेक्ट नंबर टू, ठीक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो देखिए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस मोस्टली डब्ल्यू एच फैमिली होता है, डब्ल्यू एच फैमिली मतलब हु, वेयर, व्हेन, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, पहले हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपका एक्टिव वॉइस में मिलता है तो आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या करेंगे बाय हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। हु रोट इट बाय
वॉज इट, वर्क के थर्ड फॉर्म रोड की क्या होती है, रिटर्न। ठीक, ऐसे ही वेन विल यू राइटिंग, वेन विल इट बी रिटर्न बाय यू, वाई शुड यू सस्पेक्ट मी, वाई शुड आई बी सस्पेक्टेड बाय यू, वेयर वॉज शी मेकिंग इट, वेयर वॉज इट बी मेड बाय हर। ठीक है, इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, सेंटेंस के सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है, मॉडल्स होंगे आपके एक्टिव वॉइस से दो कैसे चेंज करना है, प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, दूसरा ऐसे एक्टिव वॉइस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ही एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।